जाता है। गोमती हमारे भारत की सबसे प्राचीन नदी है। अयोध्या के महाराज मनु, जो प्रथम मनवंतर के प्रथम मनु हैं, उन्होंने भी गोमती की नदी के तट पर नैमिषारण्य में भारी तप किया था। हमारे यहां परमात्मा के अवतार भी गौ माता के घृत के द्वारा किए गए हवन से ही हुए। भगवान परशुराम और विश्वामित्र का भी जन्म यज्ञ के द्वारा हुआ। भगवान राम का जन्म भी गौ माता के घृत के द्वारा, पंचगंप के द्वारा किए गए यज्ञ से ही हुआ। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक वैतरणी पार कराने वाली गौ माता, उनकी आज जो इस कलयुग में दशा हुई, उस दशा के लिए उनके भक्तों के मन में, उनके बच्चों के मन में जो पीड़ा हुई, उसी पीड़ा के द्वारा ये कल्पना साकार हुई और राष्ट्रीय शिक्षक संघ की गौ सेवा गतिविधि के द्वारा ये जो प्रकल्प है पूरा, दीनदयाल कामधेनु गौशाला समिति ने संकल्प किया और ये 100 एकड़ की भूमि में बनने वाला प्रकल्प, सभी बंधु आज आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा परिसर ये। मैं आपको बता दूं कि बगल में जो परखम गांव है, यहां से संघ के एक बहुत तेजस्वी प्रचारक निकले जिनका नाम श्री गिरिराज जी था, हम लोग जिनको ताऊ जी कहते थे। अभी कुछ ही दिन पहले वैकुंठ वास हुआ है। उन ताऊ जी की स्मृति में, गिरिराज जी की स्मृति में इस पवित्र धाम में गिरिराज गौशाला की भी स्थापना की गई है। बोले गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, राधा रानी की जय, रेवती मैया की जय, ताऊ जी महाराज की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री ब्रज चौरासी कोश की जय, सब संतन की जय, सब देवन की जय, सब तीर्थन की जय, जय जय श्री राधे। एक बार जब आगमन होगा मंच पर, नीचे से भाई साहब उत्तिष्ठ की आज्ञा देंगे। आप कुर्सियों पर नीचे जहां भी बैठे हैं एक बार खड़े होंगे और फिर जब उपवेश की आज्ञा होगी तो फिर से आप एक बार अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, ऐसा सबसे निवेदन रहेगा। हमारे भगवान श्री कृष्ण को जब पूतना आई थी मारने, और भगवान ने जब पूतना का उद्धार किया तो यशोदा मैया ने उनको गौमूत्र से स्नान करवाया। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरज सार्वकम। कितना गौमूत्र पवित्र है और गौ के खुर की मिट्टी से हमारे शास्त्रों की मान्यता है, यदि कोई उससे तिलक करता है तो उसकी सर्वत्र विजय होती है। किसी के घर में कैसा भी नजर टोना टोटका तंत्र मंत्र हो जाए, अगर देशी गौ माता के खुर की मिट्टी लाके घर में छिड़क दी जाए तो घर के सारे दोष, सारे वास्तु दोष, सारे नजर, सारे टोने टोटके समाप्त हो जाते हैं। हमारे परिसर में परम पूज्य सरसंघ चालक जी का प्रवेश हो रहा है और बहुत शीघ्र ही हम उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से ऋषियों ने पूछा कि प्रभु आप सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, कभी आपकी कोई कामना होती है क्या? भगवान ने कहा मेरी एक ही कामना होती है कि गाय मेरे आगे रहे, गाय मेरे पीछे रहे, गाय मेरे बाएं रहे, गाय मेरे दाएं रहे, मैं हमेशा अपनी गौ माताओं के बीच में रहूं। इसलिए बंधुओं, भगवान को कितनी प्यारी गाय है ये आप कल्पना कर सकते हैं। हमारे भारत से निकले हुए चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, जितने भी पंथ हैं, जितने भी उपासना पद्धतियां हैं, सभी ने गौ माता की महिमा का गायन किया है। मैं वेद पाठी आचार्यों से निवेदन करूंगा कि वेद मंत्रों का प्रारंभ करें। परम पूजने का आगमन हो रहा है और आदरणीय अनुराग जी उत्तिष्ठ की आज्ञा होने पर सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे।
से और परम पूज्य दीदी जो खड़े हुए हमारे गौशाला समिति के अध्यक्ष डॉक्टर महेश गुप्ता जी, आदरणीय मधुसूदन दादू जी, आप सबसे निवेदन है कि श्री हरिशंकर जी भाई से निवेदन है कि साथ में दीप प्रज्वलन कराएंगे। आदरणीय शंकरलाल जी भाई साहब,